Good morning, students. Today I am going to teach you the next topic of the life processes. In the previous video, we discussed about respiration, breathing, and ATP and ADP. So ATP और ADP के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. तो अभी जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जनरली जो कितने होते हैं वो दो होते हैं, या तो भी जान रहे हैं, है ना. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो होते हैं, एक होते हैं एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक. एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारे दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है. ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंट होता है. उस टाइम हम लोग क्या करते हैं उसको एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है. तो ये जो होता है मेन डिफरेंसेस है. ये सेवन क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड इसमें भी होता है लेकिन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन. बिना यूज ऑफ ऑक्सीजन के क्या होता है? ये जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के फॉर्म में ऑक्सीजन जब होगा तो क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लीट फूड होता है ना. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है तो क्या होता है? वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है. यानी कह सकते हैं कंप्लीट नहीं, पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना. वो जो होता है हमारा किसमें होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है. उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा? जो ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन हम लोग को बॉडी को मिलता है तो क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है, एनर्जी हम लोगों को देता है. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? एनर्जी वो ही प्रोवाइड करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? हम लोग को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है हम लोग को लेस एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है. तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोग कर लीजिएगा इजी वे में, है ना. इजी वे में कर लीजिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो क्या होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है और एनारोबिक जो होता है ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का होता है फॉर्मेशन होता है ना. ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है तो क्या होता है? स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होता है. रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड है ना, बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन है ना. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है रेस्पिरेशन जो होता है हमारा होता है और पूरे बॉडी पार्ट को क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा क्या है? ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है, एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? ग्लूकोज प्रोवाइड करता है लेकिन क्या होता है? लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है, इथेनॉल का भी फॉर्मेशन करता है ना, क्योंकि वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन क्या है? प्लांट में रेस्पिरेशन जो है वो किस माध्यम से होता है? मीडियम क्या है? तो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में होता है रेस्पिरेशन थ्रू द रूट करता है. थ्रू द रूट कैसे? तो रूट में जो हेयर होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं प्रेजेंट, उससे क्या करता है? वो रेस्पिरेशन करता है. जो रूट हेयर जो होते हैं अंडर द सॉइल जो होते हैं उसके वजह से क्या करता है? वो सॉइल से जो होता है वो गैसेस जो होता है वो जो चीज उसको जरूरत पड़ता है वहां से उसको वो कैरी करता है. कैरी करता है उसके बाद वहां पर जो होता है वो रूट जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है ना. तो प्लांट में रेस्पिरेशन रूट भी करते हैं, स्टेम भी करते हैं और लीफ भी करते हैं. तो रूट जो होता है वो अपने रूट हेयर से सॉइल से स्टेम, स्टेम जो होता है वो अगर ग्रीन स्टेम है, अगर स्टेम जो है हमारा ग्रीन है तो ग्रीन स्टेम में क्या होगा? वो उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होगा और वहां क्या करता है? स्टेम जो होता है वो स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन करता है.
लेकिन जो प्लांट होगा, प्लांट का बात कर रहे हैं, प्लांट का होता है उसका स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है, जिसके वजह से वहां पर क्या होता है वो रेस्पिरेशन करता है, खुद स्टोमेटा करता है। लेकिन ट्री हो गया है ना, अब ट्री हो गए तो ट्री जो होता है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, उनका स्टेम कैसे रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि वो तो ग्रीन नहीं होते, कैसे करता है। तो ट्री का जो पार्ट होता है अपर पार्ट होता है, स्टेम का जो अपर पार्ट होता है उसके वजह से क्या करता है वो रेस्पिरेशन जो होता है वो करता है। उस वहां का जो स्टेम है वो किसके वजह से रेस्पिरेशन करेगा, जो अपर पार्ट है ट्री का है ना, इसको हम लोग पार्ट बोल सकते हैं, छाल बोल सकते हैं है ना, वो अपर पार्ट से क्या करता है वो अपना रेस्पिरेशन जो है वो करता है। उसके बाद लीफ, लीफ भी हमारा क्या करता है वो रेस्पिरेशन करता है प्लांट में। लीफ कैसे रेस्पिरेशन करता है तो ये तो पता है कि लीफ में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं है ना, और स्टोमाटा का वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को क्या करना, एक्सचेंज करवाने का काम जो होता है वो करता है हमारा पर स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या होता है, किडनी फोर्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट से, तो स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है जो है वो रेस्पिरेशन जो है हमारा प्लांट जो है वो करता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है, प्लांट होता है रूट के माध्यम से भी, रूट स्टेम के माध्यम से भी और लीफ के माध्यम से भी रेस्पिरेशन जो करता है, जो रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरेशन करने के दौरान फिर हम लोग क्या होता है एनर्जी प्रोवाइड होता है, वही सारा काम जो है वो प्लांट भी करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है वीडियो इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।